इजराइल के संघर्ष विराम के बाद गाजा में अब सिर्फ मलबा ही मलबा पसरा है। इन्हीं मलबों को एक तरह से टटोलने और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे हैं। 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जानकार खास चश्मे से देख रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को इजराइल पहुंचे ब्लिंकन ने युद्ध में बुरी तरह से तबाह हुए गाजा की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। हालांकि एंटनी ब्लिंकन ने ये भी भरोसा दिया कि अमेरिका गाजा के चरमपंथी संगठन हमास को इस पुनर्निर्माण सहायता से कोई फायदा नहीं उठाने देगा। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हिंसा फिर होने से रोकने के लिए हमें इन मुद्दों और चुनौतियों से निपटना होगा। ये गाजा के गंभीर मानवीय स्थिति से निपटने और पुनर्निर्माण शुरू करने के साथ शुरू होता है। अमेरिका उस प्रयास के इर्द गिर्द अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए काम करेगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देगा। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि गाजा की पुनर्निर्माण सहायता से हमास को कोई फायदा नहीं हो। एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया के अपने दौरे के शुरुआती चरण के तहत इजराइल पहुंचे हैं। गौरतलब है कि 11 दिनों तक चले इजराइल गाजा संघर्ष में 250 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर फिलिस्तीनी हैं। इस संघर्ष में तटीय क्षेत्र में चौतरफा तबाही हुई है, जिसकी हालत पहले से ही दयनीय है। ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका तटीय क्षेत्र में पैदा हुए गंभीर मानवीय संकट के समाधान के लिए काम करेगा। अब अमेरिका के इस कदम के बाद सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरण भी बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका और इजराइल के बीच जो दोस्ती दिख रही थी, क्या अब जो बाइडन के आने से पहले जैसी नहीं रही है? या फिर बड़े स्तर पर विभीषिका के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा किसी दूसरे डॉक्ट्रिन की पहल है? खैर, इन सवालों के जवाब अभी जानकार भी तलाश रहे हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।